डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी। झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष पूर्व विधायक आजसू संस्थापक सह झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल सोमवार को झारखंड के माननीय राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। गवर्नर हाउस पहुंचकर सूर्य सिंह बेसरा ने 10 सूत्री महत्वपूर्ण मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर महामहिम का निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराए। राज्यपाल से मिलकर प्रतिनिधि मंडल बाहर निकलते ही ट्राइबल इंडिया टीवी से रूबरू हुई और ज्ञापन सौंपने के बाबत पूरी जानकारी सूर्य सिंह बेसरा ने साझा की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि झारखंड राज्य के 20 वर्ष पूरे होने के बावजूद न झारखंड की तस्वीर बदली है और न ही तकदीर। सूर्य सिंह बेसरा ने अपनी मांगों पर कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने झारखंड के हेमंत सरकार को भी चेताया और आर पार की लड़ाई की बात कहकर ललकारा है, बड़े आंदोलन की बात की है। क्या कुछ कहते हैं सूर्य सिंह बेसरा, कितना गंभीर है आदिवासियों की हित को लेकर जल जंगल जमीन की लड़ाई, स्थानीय भाषा व अन्य मुद्दों को लेकर क्या तेवर हैं, आप भी सुने। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज सरन की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के राज्यपाल नए पधारे हैं, पदभार संभाले हैं, महामहिम के पास गुहार लगाने आए हैं और ये झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से आज 10 सूत्री जो मांगे हैं, मांगे नहीं है बल्कि ध्यान आकृष्ट किया है और मेरे नेतृत्व में हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव पंकज मंडल जी मौजूद हैं, प्रधान प्रवक्ता सुबोध कुमार दागी मौजूद हैं और केंद्रीय सचिव धर्मदयाल साहू जी हैं, वीरेंद्र माहली है। ये 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम से भेंट किया और झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से 10 सूत्री हम लोगों ने मांगे रखे। पहला मांग ये है कि 20 वर्षों के अंदर में झारखंड राज्य बना, 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन 11 बार सरकार में 20 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर नहीं बदली, झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली और तो और यहाँ स्थानीय भाषा, स्थानीय नीति तय नहीं हुआ। बिना स्थानीय नीति तय किए यहाँ नियोजन कैसे हो सकता है? भारत का संविधान के अनुच्छेद का जिक्र करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) में प्रावधान है कि संसद यानी लोकसभा किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन 20 वर्षों के अंदर में 11 सरकारों ने कभी भी इससे प्रयास नहीं किया कि झारखंड के लिए स्थानीय नीति बने। दूसरी बात है यह राजभाषा का जहाँ तक सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रोविजन है कि उस राज्य के स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया। हम लोगों ने जिक्र किया 2012 में पहले जो राज्यपाल थे उनके आदेश से, उनके निर्देश से, उनके अनुशंसा से विगत राज्य सरकार अर्जुन मुंडा बीजेपी की सरकार थी, उस समय झारखंडी भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी, पंच परगनिया 9 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और उसका जो है अधिसूचना जारी हुई, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ। 22 दिसंबर 2003 में संथाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल हुआ और आज तक 18 वर्षों में उसका अमौली जमा नहीं पहनाया जा सका। राजभवन का मेन गेट में आप देखिए वो संथाली भाषा का लिपि में लिपिबद्ध है, राजभवन लिखा हुआ है। डीसी ऑफिस में राजभवन लिखा हुआ है, डीसी भवन में राजभवन लिखा हुआ है, ब्लॉक में लिखा हुआ है, पंचायत में लिखा हुआ है, स्कूल कॉलेजों में लिखा हुआ है। इसीलिए जो है आज तक ये सरकार नहीं किया, इसलिए ये उदासीनता सरकार। महामहिम से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये संविधान में इसको बहुत ज़्यादा अधिकार है, राज्य सरकार को मार्गदर्शन दे, निर्देश दे और 10 सूत्री जो मांगे हैं उसको अमौली जमा पहनाए। बस यही है हम लोगों की। अच्छा बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि उसको अध्ययन करेंगे, राज्य सरकार को निर्देश जारी करें। झारखंड राज्य निर्माण में राइट फाइटर के रूप में परिचित हूँ, लोकप्रिय हूँ, लोग जानते हैं, इसीलिए मैं एक किताब भी दिया हूँ आज। ये फाइटर बिकम ए राइटर, ये मेरे आत्मकथा को उन्होंने विमोचन करने के लिए आग्रह किया हूँ, वो कॉपी मैं दिया हूँ और मैं अपनी जीवनी गाथा को, इतिहास की कथा को लिखा हूँ। मैं फाइटर भी रहा हूँ, राइटर भी रहा हूँ और मधुशाला का अनुवाद करके
मुझे वो गर्व हासिल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, गीतांजलि का भी अनुवाद किया है रविन्द्रनाथ टैगोर का, और इसीलिए मैं साहित्यिक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ। अब कोरोना काल में पुनर्जीवित होने के बाद मैं आध्यात्मिक में हूँ, अब आध्यात्मिक भी चलेगा, राजनीतिक भी चलेगा और साहित्यिक भी चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के जोगी, अगर उत्तर प्रदेश के जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकता है, भगवाधारी बन सकता है, जोगी होके मठ में बैठने वाला आदमी सत्ताधारी हो सकता है, तो मैं झारखंड राज्य का फाइटर राज निर्माताओं में से एक हैं। मैं राजनीति से संन्यास क्यों लूंगा, क्यों त्याग देंगे? इसलिए आध्यात्मिक भी, राजनीतिक भी और साहित्यिक भी, ये साथ साथ चलेगा। फिर एक बार उन्मूलन होगा जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं। अगर ये 8 अगस्त तक निर्मल महतो स्वागत दिवस 8 अगस्त तक अगर 10 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय नीति नहीं बनाती है, आंदोलनकारी आयोग के तहत जो उनको न्याय नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता, शहीदों को पहचान नहीं मिलता है, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जल जंगल जमीन के अधिकार नहीं मिलता, पेशा कानून की तरह ग्राम सभा नहीं होगा, तो 8 अगस्त के बाद सीधी कार्रवाई पे उतर जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से सावधान करना चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार को, आप सावधान हो जाओ, अगर 8 अगस्त तक सम्म नहीं होगा तो आपको गद्दी छोड़ना होगा और आंदोलन करके हम लोग सरजमीन पे बता देंगे कि 50,000 झारखंड आंदोलनकारी आज भी अपने न्याय के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वो सड़क पे उतरेगा और फिर एक बार उलगुलान होगा, फिर एक बार बोलूंगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।